Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. It is Hashtag Question and I am your personal auxiliary whenever Negar. Right now tuning up with a very interesting lesson in Marathi. Lesson number 3, which is Shaal written by Raga Jadhav. So, aap फटाफट अपनी टेक्स्ट बुक को लेके आ जाएगी आपके सामने एंड जब मैं रीड करूंगा तो आप भी साथ में रीड करिए और जो भी मैं हार्ड वर्ड बताऊंगा उसको अंडरलाइन करिए एंड दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट लेसन दिस टेक्स्ट बुक हैज सो आई होप यू विल बी इजीली अंडरस्टैंड दिस लेसन एंड विद दैट ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर मार्किंग अप द इंपॉर्टेंट वर्ड्स विद दैट आई एम गोइंग टू गिव यू एक्सरसाइज का सोल्यूशन ऑल्सो चलो ट्यून करते हैं चैप्टर के अंदर है क्या टेक्स्ट बुक फटाक से खोलिए विद दैट कम ऑन टू चैप्टर नंबर 3 शाल. अब शाल बेसिकली होता क्या है. शाल मतलब वो होता है जो मालूम बड़े बड़े लोग जब एक बड़े बड़े इवेंट में आते हैं तो उन लोगों को मालूम उनके कंधे पे पहनाया जाता है शॉल तो उसको बोलते हैं शाल मराठी में. ओके तो अब ये शाल के रिलेटेड क्या स्टोरी है, लेखक ने आपस शाल के बारे में क्या बोला है, किस तरीके से बोला है, क्या बताया है, चलिए देखते हैं चैप्टर के जरिए. ओके तो यहाँ पर दिया है शाली भवती असलेल्या प्रस्तावना में देखिए शाली भवती असलेल्या लेखकाच्या आठवणी या पाठातून व्यक्त झाल्या आहे. मतलब शॉल के रिलेटेड जो भी आठवणी है जो भी लेखक के दिमाग में ख्यालात है वो यहाँ पर क्या हुआ है ये लेसन में क्या है दर्शाया गया है. शाल ही प्रतीकात्मक आहे मतलब क्या एक किसी को अपन प्रतीक के तौर पर देते हैं मतलब एक खून के तौर पर देते हैं गिफ्ट के तौर पर देते हैं. शाली मुड़े येणारा शालीनतेचे संदर्भ अंतर्मुख करणाऱ्या आहे मतलब क्या जिस इंसान को अपन शाल पहनाते हैं वो इंसान बहुत ही पोलाइट रहता है बहुत ही नर्म दिल रहता है और उसका बहुत इज्जत और लहजा रहता है सोसाइटी के अंदर. पाठातील औदर्याचे उदाहरण हे माणसाची संवेदनशीलता जपणारे आहेत. मतलब क्या यहाँ पर जो ये पार्ट में दिए गए हैं लेखक और लेखक ने जिस लोगों के बारे में यहाँ पर बताया भी ये पार्ट के अंदर वो लोग के जो दिल है वो लोगों का दिल बहुत साफ है बहुत अच्छा है. वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणींचे मोल महत्वाचे असते. कोणत्याही निर्जीव वस्तूशी निगडित असलेला संदर्भ मानवी भावनांना ठरल ठेवतात. मतलब क्या इंसान है ना चीज को लेकर ना बहुत पर्टिकुलर हो जाता है. जैसे कि मुझे मेरा मोबाइल बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं मोबाइल के थ्रू तुम लोगों को वीडियो बनाकर देता हूँ. अगर मेरा मोबाइल ही घूम जाएगा तो मैं तुम लोगों से कैसे कॉन्टेक्ट कर पाऊंगा. यस तो किसी किसी को ना कोई कोई चीज बहुत बहुत ही प्यारी रहती है. जैसे कि मुझे मेरी दादी का एक दिया हुआ खिलौना अभी भी मेरे पास बहुत पहले से अभी तक का पड़ा हुआ ही है तो मेरे को उसने मेरे मतलब चीज से अटैचमेंट है. यस और नो तो यहाँ पर वही बताया गया है वस्तुशी निगड़ित कोणते ही आठवण असता थत्वा प्रसंग त्याचे मानवी संदर्भाचे सर्वार्थाने महत्वाचे ठरतात. मतलब एक चीज को लेकर जो एक यू नो एक स्टोरी अपने दिमाग में रहती है. जैसे कि मुझे मेरी दादी का खिलौना हमेशा याद है मैं उसमें खेलता था फिर दादी चले गई ऑफ हो गई पर मुझे उस चीज का हमेशा ना एक यू नो एक अटैचमेंट रह गया है एक फीलिंग रह गई उस चीज के साथ में एसोसिएटेड रह गई है तो वो यहाँ पर बताया गया है पार्ट के जरिए. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं ओवर हियर. एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेले होतो. मतलब क्या मैं कोई काम से वापर गया था इनके घर पे गया था पु ल देशपांडे बहुत ही फेमस मराठी लेखक है. काम झाल्यावर मी निघण्याचा बेटात होतो. मतलब क्या मैं काम जैसे मेरा हो गया था मेरा काम हो गया था उनसे बातचीत करके हो गया था जो काम करने के लिए मैं गया था मेरा वहां पर काम करके हो गया था तो उसके बाद में मैं निकलने की तैयारी में लग गया. तेवढ्यात सुनीताबाई ने मला थांबवले व विचारले तुम्हाला शाल दिली तर चालेल काय. तो उतने में मुझे बोले देशपांडे की बीवी ने बोला सुनीताबाई जिसका नाम था उन्होंने मुझे बोला कि अगर मैं आपको एक शॉल दूंगी तो चलेगा क्या. मी एक पायावर हो मटलो मैंने एक पैर पे खड़े रह के हाँ बोला हाँ चलिए भाई. व सुनीताबाई पुल सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी हा मला मोठा गौरव वाटला. मतलब सुनीताबाई जैसी औरत वो भी एक बहुत अच्छी जानी मानी लेखिका है वो औरत अगर मुझे शाल देगी तो मेरे लिए कितनी गर्व की बात है ऐसा लेखक ने सोचा. ती शाल मी माझा खोलीतल्या सुटकेस मध्ये ठेवून दिली वापरली मात्र कधीच नाही.
तो जब वो शाल मैंने लिया ना, तो मैंने उसको मेरे खोली में, मतलब मेरे कबर्ड के अंदर एक सूटकेस के अंदर बंद करके रख दिया। मैंने उसको कभी भी यूज किया नहीं। स्टार्टिंग के दोनों पैराग्राफ इजीली समझ में आया आपको? कोई भी डाउट है इसमें? नहीं है ना। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। इस पे पुढ़े वाइला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो, तिथे नदीकाठचा प्रयाग प्राज्ञ पाठशाळेच्या खोलीत मी राहत असे। मतलब क्या वाई नाम की एक जगह है ना, वहां पर वो इंसाइक्लोपीडिया के लिए ना कुछ काम करने गए थे। अध्यक्ष बन के गए थे, मतलब क्या वहां पर वो चेयरपर्सन बन के गए थे, जिनका होना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तिथे नदी काठ सा प्राग्ञ पाठशाळे चा कोलीत मी राहत होतो। मतलब क्या एकदम एक नदी के किनारे पे ना एक कोली थी। कोली मतलब क्या एक घर था, वहां पर मैं ठहरा था। खोली चा दक्षिणी कडेल खिडक्या कृष्ण नदीच्या चिंचोड्या प्रवाहावर होत्या। मतलब क्या खोलीच्या दक्षिणीकडे, उत्तर मतलब क्या ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर की तरफ, दक्षिण मतलब क्या नीचे केरला वाले जगह की तरफ। ओके, तो दक्षिण साइड में क्या था, एक है ना वहां पे कृष्णा नदी थी। नदी मालूम है ना, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये सब नदी है। तो कृष्णा नदी वहां पर थी जो बहती थी। थंडीच्या दिवसात एक बाई माझ्या खिडकी खालील घाटच्या छोट्या ताटावर तिचे छोटे मुले एक टोपलीत ठेवून मासे पकडण्याचे उद्योगित होती। मतलब क्या ठंडी का दिन चालू था और मैंने देखा कि उस नदी के किनारे एक औरत अपने बच्चे को लेके छोटे से टोकरी में रख के, अपने बच्चे को छोटे से टोकरी में रख के ठंडी के दिनों में वो मच्छी पकड़ने के काम में बहुत बिजी थी। तो यहाँ पर उद्योगात होती, मतलब क्या वो बिजी थी वहां पर। तिचे बाढ़ कड़क्याचा ठंडी ने कुड़कुड़त रत होतो। मतलब क्या ठंडी की वजह से उसका जो छोटा बच्चा था जो टोकरी में बैठा हुआ था, सोया हुआ था, वो एकदम ना ठंडी वजह से कांप रहा था और रो रहा था। पर आई तिकड़े बगत ही नहीं होती, पर वो औरत जो जिसका बच्चा था, वो जो मच्छी पकड़ रही थी, वो उसकी तरफ देख ही नहीं रही थी। मला मात्र रहावेले नाही, मतलब मुझसे रहा नहीं गया। मी सूटकेस मधील पुलकित शाल काढली। मतलब क्या मैंने सूटकेस में से फटाक से वो शाल जो मुझे पूल देश पांडे की वाइफ सुनीता बाई ने दी है, मैंने उसको फटाक से क्या करा, निकाल दिया। 50 50 रुपया नोट काढल्या व त्या बाईला हाक मारली। मतलब 5 50 रुपये, मतलब 5 10 रुपये की नोट निकाल के मैंने क्या करा, बापर वो औरत को हाक मारली। मतलब क्या बुलाया, ए बाबा इधर आ जरा। खिडकीतून ते सर्व खाली दिले आणि म्हटले, त्या बाळाला आधी शालीत गुंदळ आणि मग मासे मारत बस। मतलब क्या मैंने खिड़की के जरिए वो औरत को पैसा दिया और वो शाल दिया और मैंने बोला कि सबसे पहले तो अपना जो बेटा जो है ना ठंडी में जो कांप रहा है, तो उसको पहले शाल उड़ा, उसको शाल से लपेट और उसके बाद में तुम मच्छी मारते बैठ। ऐसा उस किसने बोला, लेखक ने बोला वो मच्छी वाली औरत को। या घटनेचा उप पुलकित शालीचा उभे पेक्षा अधिक होती। मतलब क्या ये घटना जो है ना हुआ, मतलब मैंने बच्चे को, मालूम एक बच्चा जो तड़प रहा था, 4 महीने 6 महीने 10 महीने का जो बच्चा रहेगा, जो अभी अभी पैदा हुआ रहेगा, जो टोकरी में रख के माँ मच्छी पकड़ रही थी, उसको जब मुझे शाल दिया ना मैंने लपेटने के लिए, वो प्रसंग मेरे लिए ज्यादा बड़ा था कि जिसने मुझे शाल दिया है सुनीता भाई ने, उनसे लेने से ज्यादा बड़ा गर्व की बात मेरे लिए ये थी कि मैंने वो शाल जो मुझे उन्होंने दिया, मैंने वो सामने वाले बंदे को दिया यूज करने के लिए। तो उप मतलब क्या वॉन्ट, ये उब जो है ना उब मतलब क्या मुझे उतना गर्व हुआ, मुझे अंदर से एक गर्वीला वाला फीलिंग आता है, वार्मथ महसूस हुआ, तो उब का मतलब होता है वार्मथ। ओके, कविवर ये नारायण सुर्वे खूब सभा सम्मेलन गाजवत। मतलब एक नारायण सुर्वे नाम का एक कवि था, वो बहुत सारे सम्मेलन में जाते थे। पुढ़े ते साहित्य सम्मेलनाचे अध्यक्ष ही झाले और उसके बाद में वो लिटरेचर के, जो मराठी लिटरेचर है ना, उसके क्या हो गए, वो चेयरपर्सन बन गए। परिणाम त्यांचे कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे। मतलब क्या दिन रात उनका कार्यक्रम क्या रहता, चालू ही रहता था। प्रत्येक कार्यक्रमात सम्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांनी मिळत राही। मतलब क्या हर कार्य में उनको, हर मतलब हर सम्मेलन में जब उनको बुलाते थे तो उनको एक शॉल देते थे और श्रीफळ देते। श्रीफळ मतलब मराठी में श्रीफळ बोलते हैं, हिंदी में श्रीफळ को बोलते हैं नारियल। ओके, एकदा ते मला म्हणाले, या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनवून लागलो आहे। मतलब क्या ये शाल ले लेकर मैं ना एकदम पोलाइट बनने लगा हूं। शालीन मतलब क्या पोलाइट बनने लगा हूं। तो यहाँ पर लेखक क्या सोचता है, त्यांच्या बोलण्यातील
आप उपरेदी खोज माजर नवे तर कोणाचे सहजपणे लक्षात येणार होती। मतलब उनके बोलने के पीछे का जो कारण था ना, वो किसी और कोई नहीं, सबको परे ना एक क्वेश्चन में डाल देगा। मतलब क्या शाल लेने से ही आप पोलाइट हो गए? बिना शाल के आप पोलाइट नहीं हो सकते क्या? पोलाइट मतलब क्या? नरम दिल। ओके, तो यहाँ पर लेखक बोलते हैं शाल व शालीनता यहाँ से संबंध का है। शाल और शालीनता में संबंध क्या है दूसरे का? खरे तर खरी खुरी शालीनता शाली बिना शोभते। मतलब क्या, अगर शाल नहीं भी पहना है तो भी इंसान का दिल नरम रह सकता है। ये सुनो, आप ही इमेजिन करो ना, आपके ऊपर किसी ने शाल डाला है तभी आपको सिर्फ अच्छा लगेगा। क्या बिना शाल के आप अच्छा नहीं रह सकते? आपके आपके दिल में क्या मतलब यू नो फीलिंग्स नहीं आएगी कि नरम दिल वाली। सर्व, फिर यहाँ पर बोला गया सर्व मुड़ात शालीन, शालीचा वर्षा वाकली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही कधी क्षीण ही झाली नाही। मतलब क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिना शाल के भी उन्होंने कभी भी ना अपने नरम दिल को कमी नहीं होने दी। और उनकी जो नरम दिली है यू नो एक बहुत यू नो एक टच शूट टाइप का थिंग है उनके साथ में जो मेरा, वो कभी भी आज तक कम हुआ नहीं। मी कविवर्या ने म्हटलो शाली मुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबारी होनी बिकेल बिकेल लागेन पण शेकडो शाली खरीदून सर्वांना एक एक शाल लगेच नेऊन देईन। यावर तो शालीन कवी मनापासून हसला। तो यहाँ पर ही ना उतने में ना जैसे उन्होंने बोला ना नारायण सुर्वे ने, मतलब शाल ले लेके मैं बहुत नरम दिल होते जा रहा हूँ, बहुत मेरे अंदर यू नो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीलिंग आ रही है। तो लेखक ने ना यहाँ पर सार्कैज़म बनाने के लिए क्या बोला मालूम है? सार्कैज़म मतलब क्या, यू नो एक आइरनिस्टिक टोन बनाने के लिए उन्होंने क्या बोला कि ऐसा अगर रहेगा कि शाल पहनाने से लोगों का दिल नरम होता है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कर्जदार हो जाता हूँ, मैं कर्जा ले लेता हूँ बहुत करोड़ों रुपए का और सबको मैं एक एक शाल बांटता हूँ, शाल पहनने से क्या होगा सबका दिल नरम हो जाएगा। ये सुनो, फिर यू नो बुराइयां ये सब सब क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। ऐसा कौन बोलता है? ऐसा लेखक बोलते हैं। तो उतने में क्या होता है, नारायण सुर्वे बहुत जोर जोर का हंसने लगते हैं। शाली मुड़े शालीनता येत की जाते या प्रश्न से माझा उत्तर जाते ही चसते आए। मतलब अगर शाल पहनने से आपके अंदर शालीनता येते की जाते, मतलब शाल पहनने से आपके अंदर की जो नरम दिली वो आती है क्या जाती है? तो लेखक को बोला जाएगा ना, तो लेखक हमेशा बोलेगा इसका आंसर है जाती है। क्यों जाती है देखते हैं। सन्मान करण्याचा रूपे ने आपण करे तर एक शालीन जग गमवून बसण्याचा धोकाचा मोठा आहे। जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे। मतलब क्या, सम्मान करने के लिए हम लोग एक शाल गवा देते हैं। अब एक शाल गवा दिए, मतलब शाल अगर समझ लो कि बड़ी बड़ी जो शाल रहती है जो दुकानों में मिलती है वो महंगी सी महंगी अगर अपन भी लेने जाएंगे ना तो अप्रोक्सीमेटली वो 400-500 और अगर बड़े बड़े लोग को जो पहनाते हैं शाल बहुत अच्छे कपड़ों की तो अप्रोक्सीमेटली 5000 तक आती है। तो अगर यू नो जिसको मुझे नहीं पहनाने का है या यू नो जिसको यू नो दिल से नहीं देने का शॉल पर फिर भी मेरा 5000 जितना बड़ा बजट जा रहा है तो सोचने की बात है ना भाई, मैंने उसको 5000 की सिर्फ शॉल पहना दिया, 5000 में मेरा मतलब पूरा ये हफ्ते भर का राशन मेरा घर का भरा जाएगा। ये सुनो, फिर उसके बाद में इधर पे है मी 2004 साली मराठी साहित्य सम्मेलन से बिना विरोध अध्यक्ष झालो। मतलब क्या, 2004 में मुझे कौन है यहाँ पर, राग जाधव जी जो लेखक है उनको यहाँ पर 2004 में क्या बना दिया, मराठी लिटरेचर का क्या बना दिया उन्होंने, चेयरपर्सन बना दिया। लास्ट पैराग्राफ चालू है यहाँ पर देखिए, तत्कालीन एक दोन वर्षात माझ्यावर शालीचे वर्षाव झाला। मतलब क्या, एक दो साल में मेरा क्या हो गया, शाल के ऊपर क्या हो गया, एक बहुत शाल आने लगे मेरे ऊपर, वर्षाव झाला मतलब क्या, बारिश होने लगी शाल की। एवढा शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6 खोलीत त्याने ठेवण्याचं शक्यच नव्हतं। मतलब मेरे घर पे इतनी शाल जमा हो गई थी, मतलब मेरा 8x6 का जो घर था ना उसमें शाल रखने के लिए जगह ही नहीं थी, इम्पॉसिबल हो गया था, अशक्य होने मतलब क्या, इम्पॉसिबल होने। मग मी सगळ्या शालींचे गोतोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले व त्या शाली वापरण्याचा वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिले। मतलब क्या, मैंने क्या करा, शाल ना जमा करके मैंने क्या करा, शाल को एक गोताड़ा बनाया, मतलब क्या एक बंडल बनाया, बंडल बना के एकदम अच्छे तरीके से निकट पड़े, मतलब कि एकदम प्यारे तरीके से अच्छे तरीके से उसको बंडल बना के मेरे दोस्त के घर पे रख दिया और मैंने उसको बोल दिया भाई अगर तेरे को चाहिए रहेगा ना कभी भी तो इसमें से यूज कर सकता है। ओके, तो यहाँ पर विचारा अति प्रामाणिक त्याचे ही छोट्या खोलीत त्याने त्याने ते सांभाळले। मतलब वो बहुत ही प्रामाणिक था, मतलब बहुत ही ईमानदार था मेरा दोस्त बेचारा, उसने भी उसकी भी उसका भी खोली गया तो छोटा सा ही था पर उसने बेचारा ने संभाला, ऐसा यहाँ पर लेखक बोल रहा है।
हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना. हमेशा मैंने क्या करा, हल्के हल्का करके, थोड़ा थोड़ा करके मैंने गरीबों में वो क्या कर दिया, शाल को बांट दिया. ओके, गरीब श्रमिक आना मतलब जो गरीब लोग है ना, जो मेहनत करके कमाते हैं, एकदम छोटे कास्ट के लोग, छोटे यू नो छोटे अर्नर्स लोग जो रहते हैं, उनको मैंने शाल बांट दिया. अब देखते यहाँ पर स्टोरी है थोड़ी सी, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए फटाफट. याद सुमारास मी शनिवार पेटतील ओंकारेश्वर मंदिराचं पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे. मतलब क्या, मैं हमेशा हर टाइम जो है ना, शनिवार पेट, पुणे में एक जगह है शनिवार पेट, वहां पर मैं हमेशा ना ओंकारेश्वर मंदिर में जाता था. महादेव भगवान जी का जो मंदिर है ना, मैं वहां पर जाता था और हमेशा हर शाम को जाता था. तेतील कट्ट्यावर बसना है मला आवड़े, मतलब वहां का जो किनारा है ना, मंदिर का किनारा, मुझे वहां पर बैठने बहुत अच्छा लगता था. एक दिवस काय घडले, एक दिन क्या हुआ कि कड़क थंडीच्या दिवसात एक म्हातारा, मतलब एक थंडी के दिन क्या हुआ, एक दिन एक म्हातारा जो है, एक बुड्ढा जो है, अशक्त भिक्षेकारी कट्ट्याला लागूनच चिरगुट टाकून व पांघरून कुडकुडत बसलेला मी पाहिलं. मतलब क्या, वो कट्टे के किनारे, वो मंदिर के कोने में एक किनारे में वो एकदम ना खापते हुए, एकदम करते हुए ना वो बैठा हुआ था. वहां पर कट्ट्याला लागूनच चिरगुट टे टाकून, मतलब क्या, चिरगुट हो गया था, मतलब क्या एकदम सुकड़ गया था. मतलब बुड्ढे लोग एकदम सुकड़ जाते हैं, वैसे वो सुकड़ गया और है ना कोपचे में जाके क्या हो गया, वो बैठ गया. दूसरा दिवसी मी दोन शाली घेऊन ओंकारेश्वराचे कट्ट्यावर आलो. मतलब मैंने दूसरे दिन क्या करा, दो शाल लेके ना वो मंदिर में गया. तो म्हातारा होताच, वहां पर वो बुड्ढा है ना, दूसरे दिन भी बैठा हुआ था कोने में चिपक के एकदम कापते हुए, त्याला दोनों ही शाल दिल्या, त्याने थरथरत्या हाताने मला नमस्कार केला. उसको मैंने दोनों ही शाल दे दिया और उसने क्या करा, थर 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 हाथ में उसने लिया वो शाल को और उसको नमस्कार बोला. ओके, पुढे चार पांच दिवस मला काही कामामुळे संध्याकाळी ओंकारेश्वर जाण्यात उसंत लाभली नव्हती. मतलब क्या, आज फिर बाद में क्या हुआ, मैंने उसको दे दिया वो शाल और चल दिया. फिर उसके बाद में आगे के चार पांच दिन ना मुझे काम में से ना फुर्सत ही नहीं मिल रही थी, तो मैं मंदिर गया नहीं. मतलब क्या, उबंत लाभली नाही, मतलब क्या जाने को फुर्सत मिली नहीं. त्यानंतर मी नेहमी प्रमाणे ये जा करत राहिलो. मतलब क्या, उसके बाद में मैं ना नेहमी प्रमाणे, मतलब हमेशा की तरह आना जाना मेरा चालू रहता था, किधर पे, मंदिर में. ओके, नेक्स्ट इज मग एकदम त्या भिक्षेकारी वृद्धाचे आठवण आली और अचानक से ना मुझे फिर वो बुड्ढे की याद आई जिसको मैंने शाल दिया था. तो नेहमीच ठिकाणी नव्हताच तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो. मतलब क्या, वापर है ना, जहां पे मैंने उसको शाल दिया था वो कोने में कभी चिपके बैठा था ना, तो आज वो चिपके बैठा नहीं था. तो मुझे क्या लगा, मैं उठता हूँ और मैं ना वो पूरे जो ब्रिज है ना वापर राउंड मार के आता. तो क्या हुआ, लेखक उठा और वो ब्रिज के वापर राउंड मारने चला गया. पुलाच्या जवळपास माध्यावर तो भिक्षेकारी म्हातारा दिसला. पुल के एकदम नजदीकी जगह पे ना मुझे वो बुढ़ा भिकारी, जो गरीब था, वो मुझे बुढ़ा दिखा. ओके, वापर उसके बाद में बोलता है, मी लगभग ही नहीं त्याच्याकडे गेलो, मैं लगभग लगभग करके उनके पास गया. ऐसा यू नो सोचते अरे ये वही भिकारी है कि नहीं है, वही बुढ़ा इंसान है कि नहीं जिसको मैंने शाल दिया था, अगर वो रहेगा तो सही है. लगभग करके गया वो, पहाटो तो काय तीच चिरगुट अंगाखाली व अंगावर तेच कुडकुडणे तोच दिनवांजीने. मतलब क्या, देखा तो क्या देखा मैंने, वापिस उसकी बॉडी काप रही है और आंग के ऊपर कुछ नहीं है, और आंग के ऊपर अगर कुछ है तो वही है, वो कांप रहा है ऐसा. तेज दिनवाने जीने, मतलब क्या, वापस से वो गरीबों की तरह ही जी रहा था, कांप कांप के जी रहा था. मी मटलो, बाबा तुम्ही माला ओढ़क ले. तो उसमें लेखक ने बोला, बाबा, ओ बुढ़े बाबा, क्या आपने मुझे पहचाना. त्याने नाकारती मान हालम ली, उसने मना किया ऐसा, नहीं पहचाना. बुड्ढे लोगों को क्या याद रहता है, बहुत मुश्किल से कुछ ना कुछ याद रहता है, ये सुनो. तो वैसे वो बुड्ढे ने भी क्या बोला, नहीं मैं आपको नहीं पहचाना, अपन कौन, पहचान कौन, ऐसा उसने बोला. द नेक्स्ट इज मग मीच म्हटले, बाबा 5-6 दिवसापूर्वी मी तुम्हाला दोन शाली दिल्या होता, आठवते का. मतलब क्या, बाबा मैंने आपको 5-6 दिन पहले मैंने आपको दो शाल ला के दिया था, अभी याद आया मैं कौन हूं. तो यावर म्हातारा खुल्ला व पुनः हाथ जोड़ून मनाला. मतलब उतने में ना ऐसा वाला रिएक्शन होता है ना, तो उस दिन तो बुड्ढे ने क्या करा, वो खुल्ला, मतलब क्या उसको याद आया और उतने में उसने वापस ऐसा हाथ जोड़ा. क्यों हाथ जोड़ा, हे भल्या माणसा,
तू नहीं मोटा, मतलब हे ऊपर हे अच्छे इंसान तू बहुत बड़ा है। म्यासी ने शाल दिला, मतलब क्या मुझे मेरी गरीबी देखकर, मुझे मेरे बुढ़ापे को देखकर तूने मुझे शाल ला के दिया। पन बाबा मैं भिकार्याला शाली कशी शोभतील, मतलब अरे मेरे से भिकारी को शाल जो है वो कैसे शोभा देगा, यू नो कैसे मैच करेगा, मैं तो भिकारी हूँ, मैं शॉल पहन के बैठूंगा तो तुमको लगता है मुझे कोई आके पैसा देके जाएगा। आमचे है असले बिकट जीना, तुझे लई उपकार है बाबा वर, मतलब क्या ये मेरा है जी, ये मेरी जिंदगी का जीना है, मतलब मुझे भीख मांग के ही खाने का, पर तेरा जो उपकार है मैं कभी भूलूंगा नहीं कि तूने मुझे दो शाल लाके दिया था। शालीची शोभा आणि उब व पोटाची आग आणि अन्नाची उब, मतलब क्या शाल की शोभा ओके, व पोटाची आग और पेट की आग आणि अन्नाची उब और खाने की वो नो यू नो एक वो रहती है ना उब रहती है, वो तीनों चीज को आप मैच नहीं कर पाओगे। अगर मैं शॉल पहन के बैठूंगा, अगर वो बुड्ढा शॉल पहन के बैठेगा कोई भी उसकी पेट की आग बुझा नहीं पाएगा, क्योंकि कोई भी उसको पैसा देके जाएगा नहीं, क्योंकि उसको कोई भी क्या समझेगा कि अरे ये बुड्ढा है, अमीर बुड्ढा है, इतनी अच्छी शॉल पहन के बैठा है, कौन इसको पैसा देगा। यस ऑर नो? तो यहाँ पर लास्ट पैराग्राफ में लेखक ये बोलते है कि भूकलेल्यास अन्न द्यावे, तहानलेल्यास पाणी द्यावे, आणि हेही जमले नाही तर अभंग्याने सम्मानाचे शाली तर द्याव्या, मतलब क्या भूखे को तुम खाना दो, प्यासे को तुम पानी दो, अगर आप दोनों ही चीज नहीं कर पा रहे हैं तो आप आपके पास अगर कोई शॉल है तो शॉल भी जाकर दे दो। इस तरीके से लेखक ने क्या करा है, लेसन को खत्म किया है। लेखक जो है यहाँ पर लेखक के वर्णन में बताया जाता है कि लेखक का दिल बहुत नरम है, लेखक बहुत अच्छा है, बहुत प्यारे तरीके से वो इंसान को यू नो इंसान के साथ डील करता है। लेखक का जो टोन है बहुत ह्यूमरस है, मतलब वो बहुत हास्य लेखक है। ओके अब यहाँ पर अपन सॉल्व करते हैं फटाफट फटाफट जो एक्सरसाइजेस है। सबसे पहला एक्सरसाइज आपको ये बोला है कि उत्तरे लिहा, उत्तरे लिहा में क्या बोला है, सबसे पहला पुल व सुनीता बाई यांचे दिलेल्या शालीचे लेखकाने केलेला उल्लेख, तो यहाँ पर क्या उल्लेख किया है, यहाँ पर आपको लिखना है फटाफट पुलकित शाल, कैसी शाल है वो, पुलकित शाल है ना। उत्तरात उल्लेख असणारी नदी, कौन सी नदी के बारे में बात किया गया, कृष्णा नदी। ओके सभा सम्मेलन गाजवणारे कवि, सभा सम्मेलन कौन लेता था, कौन सा कवि का नाम आया था इसमें, नारायण सुर्वे। ओके विद दैट वी हैव वन मोर क्वेश्चन, 2004 मराठी साहित्य सम्मेलनाचे अध्यक्ष, मतलब जो सेकंड क्वेश्चन है ना उसका अध्यक्ष का नाम क्या था, ये जो लेखक का नाम है ना राघव जाधव, वही लिखना है आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है शालीचा उपयोग, शाल का क्या क्या उपयोग था आपके हिसाब से, आप बताइए पहले फिर मैं बताऊंगा। शाली का उपयोग सबसे पहला ये है कि अंगावर मिरवणे, अंगावर मिरवणे मतलब क्या, आंग के ऊपर पिनाते हैं उसको, सम्मान करने रिस्पेक्ट के लिए पिनाते हैं, गर्जवंताला देने मतलब क्या जिनको गरज है उनको देने का, भिक्षकराला देने मतलब जो भीख मांगते हैं उनको देने का, अभागी लोकाना देने मतलब जिन लोगों का भाग्य अच्छा नहीं है उन लोगों को देने का। तो इस तरीके से शाली का उपयोग बताया गया है। द नेक्स्ट इज खालील प्रसंगा प्रसंगी लेखकाने केलेला कृति, मतलब दिले दिए हुए प्रसंग में क्या क्या किया था लेखक ने आपको बताने का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, एक बाईच्या बाळासाठी शाल दिलेल्या घटनेचे उप पुलकित शालीच उपेक्षा जास्त होती, कारण इसका कारण क्या है, एक बाईच्या कारण या घटने तो लेखकाने परोपकार केल्याचे सुख मिळले, मतलब क्या उनको ऐसा लगा कि परोपकार किया उन्होंने, कि एक एहसान किया किसके ऊपर, वो बेचारे गरीब माँ के ऊपर जो अपने बच्चे को संभाल नहीं पा रही थी। शालीचे वर्षावमुळे नारायण सुर्वे यांच्या शालीनता हरवली नाही, कारण सुर्वे मुळातच शालीन होते, मतलब क्या शाल देने के बाद में भी शाल देने के बिना भी वो जो लेखक थे नारायण सुर्वे, कवि जो थे नारायण सुर्वे, बहुत अच्छे से थे, नरम दिल थे। तो यहाँ पर कारण क्या आएगा इसका, यहाँ पर सुर्वे मुड़ातर शालीन होते, मतलब वो पहले से ही क्या थे, वो एकदम शालीन थे, नरम दिल थे। थर्ड, लेखकांचे मते शाली मुड़े शालीनता जाते, कारण सम्मान करण्याच्या रूपाने आपण एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे, मतलब क्या चला वो पैसा अपन को व्यर्थ डालना पड़ता है शाल लेने के लिए, तो यहाँ पर उसका कारण आपको ये लिखना है। ओके बाढ़ रड़त होते, कारण है ठंडी ने कुड़कुड़त होते, मतलब क्या ठंडी से वो क्या हो रहा था, काप रहा था। यस ऑर नो?
पांच, लेकर ने सूटकेस मधील पुलकित शाल काढ ली, क्यों उसने शाल निकाल दिया सूटकेस में से, कारण ठंडी ने कुड़कुड़ाना बाळातील त्यांनी ती दयायची होती, मतलब जो ठंडी से जो कांप रहा था ना बच्चा उनको लेखक को शाल उनको देने की थी। लेखकांनी भूषवलेली पदे, मतलब लेखक को कौन से पदे मिल चुकी है, एक तो है विश्वकोश चे अध्यक्ष पद, इन्साइक्लोपीडिया के भी वो चेयरपर्सन थे, विद्याट साहित्य सम्मेलनाचे अध्यक्ष पद, मराठी लिटरेचर के भी कौन थे, वो चेयरपर्सन बने। तो ये दो आपको आंसर लिखना है यहाँ पर। खालील वाक्यातील कृतीने किंवा विचारातून करणारे लेखकाचे गुण शोधा, लेखकाचे गुण शोधा मतलब यहाँ पर आपको समझने का है कि लेखक के अंदर कौन से अच्छे अच्छे गुण थे। तो यहाँ पर ये जो है बायला हाक मारून खिड़कीतून शाल व नोट्या दिला, इधर पे परोपकार वृत्ति है, खरे तर खरीकुरी शालीनता शाली विनोद शोभते। यहाँ पर क्या है कि लेखक का जो दिल है बहुत एकदम साफ दिखाया गया है, तो इसका आंसर मैं आपको रुपए एक मिनट ढूंढ के बता दो कितना है। वन सेकेंड गाइस, आई एम नॉट एबल टू फाइंड द आंसर दैट। ओके विल डू वन थिंग, आई जस्ट पुट द एंटायर आंसर का जो भी है ना फॉर्मैट, आई पुट इन द डिस्क्रिप्शन डाउन देयर, डू चेक देयर इन द लिंक, एंड विद दैट आई एम जस्ट क्विटिंग ऑफ विद द सेशन। नेक्स्ट है कि खालील शब्दातील आधा अक्षर पासून अर्थपूर्ण शब्द तैयार कर, अभी यहां से ग्रामर चालू हो रहा है। तो यहाँ पर जवड़ पास पहला वर्ड है, सबसे पहला पे लिखने का है जव, फिर लिखने का है जड़, फिर जपा, फिर वर्ड, फिर पाज, ऐसे पांच वर्ड बन गए आपके। फिर है उलट तपासनी, उलट तपासनी से वर्ड कौन सा बन रहा है आपका, एक तो है पाव, फिर है पाड़, फिर है पास, फिर है जवड़, फिर है पाजड़, ऐसे पांच वर्ड आपके बन जाएंगे। ओके विद दैट नेक्स्ट वर्ड इज आधारिकी शब्दासाठी योग्य समानार्थी शब्द वापरून वाक्य पुनः लिया, मतलब वापिस आपको लेखक वाक्य लिखने का है। अहोरात्र बोला है वहां पर अंडरलाइन में, अहोरात्र का मतलब होता है रात्र दिवस दिन रात। चिंचोड़िया, चिंचोड़िया का इधर पे क्या होगा बारीक, क्या होगा यहाँ पर चिंचोड़िया का वर्ड का मीनिंग बारीक। ओके निकटवर्ती, निकटवर्ती का होगा यहाँ पर जवरचा, निकटवर्ती का मतलब क्या एकदम जवरचा मतलब एकदम नजदीक का दोस्त, यस और नो। नेक्स्ट इज वी हैव पुलकित है उत्तर, ऐसे प्रश्न तैयार करा, पुलकित ऐसा आंसर आना चाहिए, तो ऐसा क्वेश्चन आपको बनाने का है। तो वापस से मैंने इसका आंसर डायरेक्टली उसमें दे दिया है, अब जो भी क्वेश्चन है इसके सारे के आंसर आपको इसमें मिलेंगे, टेक्स्ट बुक के डिस्क्रिप्शन के एंड में आपको लिंक के ऊपर क्लिक करने के आपको वहां से डायरेक्टली आंसर सारे मिल जाएंगे। आई होप आपको ये लेसन इजिली समझ में आया रहेगा। अंटिल वी मीट फॉर द नेक्स्ट टाइम, डू मेक श्योर दैट यू रीड दिस चैप्टर, यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, एंड यू डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व सम अदर क्वेश्चंस मोर देन this question which has been given in your textbook. Also make sure that you do like, share and subscribe my channel right now. Like this video, comment down and let me know how was this video. But that also make sure that you study well for your examination. All the best. You are the future of this country. I hope you will do your best. Give your 200%. Until we meet for the next time, all the best. Thank you.